अलीगढ़ एएमयू जेल से रिहा छात्र ने सोशल मीडिया पर डाले भड़काऊ पोस्ट। दोबारा बनेगी बाबरी मस्जिद, भाजपा नेता ने लिखा डीजीपी को पत्र। अलीगढ़ एएमयू नागरिकता बिल को लेकर एएमयू के अंदर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ दिनों पहले ही जेल से रिहा हुए सरजील उस्मानी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर भड़काने वाली पोस्ट डालने पर बीजेपी के छात्र नेता ने डीजीपी को पत्र लिखकर की कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा के आरोपी शर्जील उस्मानी ने एक बार फिर भड़काऊ पोस्ट किया है। जमानत पर रिहा उस्मानी ने अपने ट्विटर अकाउंट के कवर पर एक ऐसी फोटो लगाई है जिसमें लिखा है बाबरी दोबारा बनाएंगे। शर्जील ने एक ट्वीट कर कहा कि आप सभी की प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपके कॉल और संदेशों का जवाब ना दे सकने के लिए माफी चाहता हूं। मेरे फोन और अन्य सामान अभी भी एटीएस के पास है। मैं डुप्लीकेट सिम कार्ड के माध्यम से इन प्लेटफॉर्मों तक पहुंचकर प्राप्त करने में सक्षम हूं। शर्जील ने इस ट्वीट में एक लेटर भी पोस्ट किया है जिसमें एक बार फिर से मुस्लिम आबादी को सरकार और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। देखिए शौरी न्यूज इंडिया की यह रिपोर्ट। उसमें तहकीकात की जा रही है, जो समुचित कार्रवाई बने कार्रवाई कर दी जाएगी। इट इज नॉट कंफर्म, आपने बताया है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। देखिए शर्जील उस्मानी जी जिसकी वर्तमान में भी जेल से रिहाई हुई है, पूर्व में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में जिस गुट ने अलीगढ़ में तथा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसा फैलाई उसमें प्रमुख भूमिका शर्जील उस्मानी की थी। अगर इसी श्रृंखला को देखा जाए तो पूर्व में हिंदू फोबिया इन गल्फ जो एक विषय हमारे सामने उजागर हुआ था, किस प्रकार से खाड़ी देशों में हिंदुओं के विरुद्ध नफरत फैलाने तथा उन्हें नौकरी से निकलवाने तथा उन्हें झूठे प्रपंच के द्वारा फंसाने का प्रयास जो किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें भी शर्जील उस्मानी प्रमुख रूप से था। गत दिनों 15 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर से जो पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था जिसमें आईजी रैंक के एक अधिकारी भी चोटिल हुए थे, उसमें भी शर्जील उस्मानी की प्रमुख भूमिका थी। यह वही दिन है जब पुलिस के ऊपर फायरिंग तथा पथराव किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर से।